घुटने इस तरह नहीं, मतलब घुटने तक घुटने डेढ़ फुट का जूता है, डेढ़ फुट चलनी आवाज आई है मुझे तुम्हारी नहीं आई नहीं, सारा वक्त शाह पे घूमते रहते हो, प्लेट तीन कतार लेकर मेरे लिए कम, जब मैं तीन बोलूंगा तो गर्दन ढीली आवाज आ रही है ना, सुनो प्लेट ढीला हो जाएगा, प्लेट तीन कतार में दें फिर गए उनकी मादरी जुबान हमें समझ ना आ सकी तो हम नूर खान चचा के पास चले गए, हम वहां पहुंचे तो वो मुश्किल उर्दू बोल रहे थे, नूर खान आप अनेक्सी में रहे थे अब उसके बारे में बताइए। जे एक दिन मैं बोला जे के सर वाला जे कासिम वाला जे अली अब्बास वाला जे कासिम सिप्रा वाला जे सर्रास बता जे एक बाथरूम नहा जे एक सेफ्टी इस्तेमाल कर जे सर्रास हा 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 हा। उनकी बात समझ तो नहीं आई, आप एनएक्सी का कोई मशहूर वाकिया बता दें। एक दिन मैं अली अब्बास रूम गया, अली अब्बास मुझे बोल छाछा ये स्विच पकड़, मैं बोला अली अब्बास ना, जे कासिम बोला जे चाचा इसे हाथ लगा, जे मैं उसको हाथ लगा जे करंट, उनको तो करंट लगा, उसके बाद हम रबानी चाचा से मिलने गजाली हाउस पहुंचे तो पता चला वो हीरे की कान से कोयले निकाल रहे थे। आप गजाली हाउस में काम नहीं करते? ये बच्चा भाई हमारा काम है फोन सुनना, अभी कोई कुछ छोड़ गए तो हम क्या करें, हम क्या करें। वो तो कुछ ना कर सके, उसके बाद हम किचन में पहुंचे तो जाफर कुरहू में गोते लगा रहा था, उनसे कुछ सवालात किए, सुना है आप मेस में सही नहीं पकाते, टमाटर तो डालते हैं कोई खाता है कोई नहीं खाता, लड़के कहते खाना में मिर्ची बहुत है, मैंने कहा शरबत पोलाद दे दो। उसके बाद हम दोबारा स्टाफ मुबारक के पास पहुंचे तो वो कर झाड़ रहे थे, सुना है आप लिचकर बहुत झाड़ते हैं, कसम रिंच रिंच। आपके बारे में ये भी सुना है आप डेमो बहुत देते हैं, बंदा सुबह सुबह उठता है मुंह हाथ धोता है हल्ला का काम करता है नमाज के लिए जाता है ड्रिल के लिए खड़ा हो जाता है, फिर मैं उसको जवाब देता हूँ कि तू ड्रिल कर सब चीजें कर, तू नहीं कर सकता किधर नहीं कर सकता, जहां तक जाओ तो कहां तक जाओ फिर तक जाओ बताओ। उनके करतब देखे तो हम पीएनए स्टाफ यानी पप्पू के पास पहुंचे, उनको देखा तो वो पीएनए रोड पर ड्रिल कर रहे थे। आपने कॉलेज और पीएनए में क्या फर्क पाया, आपको कब सुकून मिलता है? मुझे सुकून तब मिलता है जब मैं बोलता हूँ और कैडेट की लाश तड़पती है। उनको देखा तो हमें डर बहुत लगा, उनसे हटकर सबसे अच्छे स्टाफ सूबेदार साहब के पास पहुंचे तो वो आंखें और मुंह एक साथ हिला रहे थे। उनको देखा तो हमें डर भी लगा कि पता नहीं वो क्या करते हैं,
वो हमारे पीछे चले, हम भागते भागते भाग गए।